हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसैज कोचिंग सेंटर बरनाला। गाइस, जिहड़ी कि मैं पहला वीडियो शेयर की सी, उहदे विच आपां पंजाबी दा पहला टॉपिक जिहड़ा कि कंप्लीट किया सी, पंजाबी भाषा दा। उहदे विच गाइस एक तो लैके अपने कोल 75 क्वेश्चन सी ते उहनूं आपां कंप्लीट किया सी। नैक्सट अगे अपने कोल अज दा जो टॉपिक आ उह उपभाषा दा टॉपिक आ ते इहदे रिगार्डिंग आपां अज MCQs करांगे। गाइज, जेकर मीनिंग थोड़ी मेरी पहले वाली वीडियो कोई डाउट आ जा कोई क्वेश्चन आ जा थोड़ी कोई भी इंक्वायरी तो तुम मैं कमेंट सैक्शन में कमेंट करके दस सकते हो, मैं थोड़े क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करांगी। अगे चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिहड़ा अपने को अगला टॉपिक आ उपभाषा, ये गाइज एक तो लैके अपने को फर्स्ट जो स्लाइड आ वो अपने को क्वेश्चन देखो, आप देख रहे 28 क्वेश्चन ने। नैक्सट अपने को 29 तो लैके एट लास्ट अपने को 49 क्वेश्चन, लाइक अपने को 50 क्वेश्चन ने उपभाषावां दे। तो गाइस इहदा मीनिंग इस क्वेश्चन रिविजन करने लई तुसीं पहलां दी तरह ही अपना एक नोटबुक लो, अपना एक पेन लो, तो जिमें जिमें मैं तुहानूं क्वेश्चन बोलती जावांगी तुसीं अपना अपना जो आंसर आ जो तुहानूं सही लगता वा अपने नोटबुक ते नोट करते जाना। वीडियो के लास्ट में मैं तुहानूं आंसर की प्रोवाइड करांगी, तो लास्ट में तुसीं अपनी जिहड़ी आंसर की तो चैक करके आंसर देखने भी किन्ने आंसर थोड़े करैक्ट ने। गाइस, जेकर तुसीं मेरे को मेरी ये वीडियो फस्ट टाइम देख रहे हो जां मेरे चैनल ते फस्ट टाइम विजिट किया वा तो तुसीं मेरे चैनल नूं सबसक्राइब करो ते बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करना ता जो मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल ते पावां थोड़े कोल उहदा नोटिफिकेशन सब तो पहलां पहुँचे। तो तुसीं मीनिंग अपना जो एग्जाम एंटिटी दा ओनू मीनिंग क्रैक करने लिए एक वधिया तैयारी कर सको। ठीक है गाइस, चलो आप वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो अपने को फस्ट क्वेश्चन तुम्हें शो हो रहा स्क्रीन पर देखो जी, गुरु अर्जन देव जी की बाणी विच केड़ियां भाषावां मिलदियां हन। इहदा अपने को फस्ट जो आंसर इन्होंने दिता वा हिंदी, संस्कृत या लैंदी। जो अपने को अगला आंसर मीनिंग आड़ा आंसर दिता हुआ इन्होंने गाथा या संस्कृति, लैंदी ते अंग्रेजी। आंसर नंबर को ईडी गाथा या संस्कृत, लैंदी ते केंद्रीय पंजाबी। मीनिंग आंसर नंबर सस्सा उर्दू, फारसी ते आधुनिक पंजाबी। तो गाइस थोनों ये केड़ा आंसर करैक्ट लगता तुसी अपनी नोटबुक ते नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर अपने को सैकेंड आ, डॉक्टर किरपाल सिंह कसेल ने किन्नियां उपभाषा विच पंजाबी भाषा नूं वंडिया। इहदा आंसर है 4, 3, 2 या 5। थोनों इहदा आंसर जो करैक्ट लगता तुसी अपना नोट करो। क्वेश्चन नंबर 3, माझी कहड़े इलाके की उपभाषा है? माझे की, मालवे की, पुआध का इलाका, दुआबे का इलाका। क्वेश्चन नंबर 4, माझी उपभाषा कहड़े इलाके की मुख बोली है? लुधियाना की, संगरूर, अमृतसर या फिरोजपुर। क्वेश्चन नंबर 5, तिहाड़ा दे तिहाड़े किस उपभाषा के शब्द हैं? माझी, मलवई, झांगी या दुआबी। क्वेश्चन नंबर 6, दुआबी उपभाषा किस इलाके की है? अमृतसर की, हुशियारपुर की, लुधियाना की या संगरूर की। क्वेश्चन नंबर 7, जलंधर विच बोली जाने वाली उपभाषा केड़ी है? माझी, मलवई, पोठोहारी या दुआबी। क्वेश्चन नंबर 8, केड़ी उपभाषा भारतीय पंजाब तो इलावा पाकिस्तानी पंजाब के आले दुआले के इलाके विच भी बोली जाती है? झांगी, मलवई, माझी या दुआबी। क्वेश्चन नंबर 9, उस केहा किस उपभाषा का पगटरा करता है? माझी का, कांगड़ी का, डोगरी का, लैंदी का। वाहवा। क्वेश्चन नंबर 10, वाहवा का उच्चारण बब्बे किस उपभाषा विच हुंदा है? लैंदी, माझी, संधी या दुआबी। क्वेश्चन नंबर 11, लुधियाने विच बोली जाने वाली उपभाषा केड़ी है? मलवई, माझी, दुआबी या लैंदी। क्वेश्चन नंबर 12, मम्मा दी बहुतांत किस उपभाषा विच वधेरे है? मलवई, दुआबी, डोगरी या पटियाणी। क्वेश्चन नंबर 13, मुल्तान दे इलाके दी उपभाषा केड़ी है? लैंदी, मुल्तानी, डोगरी, पटियाणी। क्वेश्चन नंबर 14, गुजरात दे कुछ हिस्से विच केड़ी उपभाषा बोली जाती है? लैंदी, डोगरी, पोठोहारी या पटियाणी। क्वेश्चन नंबर 15, डड्डा दी थां डाड़ा किस उपभाषा की विशेषता है? पोठोहारी, मलवई, माझी या दुआबी। तो जिमें जिमें गाइस मैं थोड़ा क्वेश्चन बोल रही हूँ तो उन्होंने अपने को आंसर बोल रही हूँ तुम उदा उदा ही अपना आंसर नोटबुक से नोट करते जाओ तो एट लास्ट ही आप आंसर की तो थोड़े आंसर मैच कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16 अपने को शो हो रहा वा, किस उपभाषा किताबी भाषा होने का मान प्राप्त है? यदा आंसर है माझी, मलवई, दुआबी या लैंदी। क्वेश्चन नंबर 17, पंजाब की कौन उपभाषा टकसाली भाषा कहा जाता है? मलवई, पोठोहारी, पटियाणी या माझी। क्वेश्चन नंबर 18, उपभाषा दे भाषा का अंतर की है?
शब्दावली, वाक बनतर। क्वेश्चन नंबर अपने को आंसर हैगा आड़ा, धुनी प्रबंध, उच्चारण लहजे और प्रोतक सारे। तो ये जो भी आंसर तुम्हें सही लगता तो अपनी नोटबुक से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 19, मलवई उपभाषा किस शहर का संबंध है? अंबाला मुल्तान, फिरोजपुर, अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 20, इन्हां चों पोठोहारी किहड़े इलाके की उपभाषा है? जलंधर की, पटियाला की, जहलम ते रावलपिंडी, हुशियार। क्वेश्चन नंबर 21, पुआधी उपभाषावां दे खेत्र हन? रूपनगर, मोहाली, जिला पटियाला दे पूर्वी शाखा, जिला लुधियाना दे सतलुज नाल लगदी गठ, ये सारे ही। क्वेश्चन नंबर 22, पुराने पंजाब दी पूर्वी पंजाबी दियां उपभाषा विच किहड़ी उपभाषा शामिल नहीं है? माझी, दुआबी, पुआधी ते मलवई, राठी ते पटियाणी, मुल्तानी। क्वेश्चन नंबर 23, इन्हां विचों केड़ा पहाड़ी दा शब्द नहीं है? केड़ा आंसर दे विचों सरियाल, सुसर, कांगी, उंगल। उस तो बाद अपने को 24 क्वेश्चन, इन्हां विचों केड़ा शब्द मलवई दा नहीं है? प्रांत, ताश, मोडा या शाम। क्वेश्चन नंबर 25, इन्हां विचों केड़ा शब्द पंजाबी विच फारसी विचों नहीं आया है? सतीर, गलीचा, तख्ता या किचन। उस तो बाद 26, बठिंडा ते मुक्तसर जिलों विच पंजाबी दी केड़ी उपभाषा बोली जाती है? माझी, मलवई, दुआबी या पुआधी। ये जो भी आंसर सानू ठीक लगता तो अपना नोटबुक से नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 27, पूर्वी ते पछमी पंजाबी दी उपभाषावां दा विभेदक है? शब्दावली दी विभिन्नता, शकोश, महाप्रांत धुनिया दी विभिन्नता, व्याकरण दी विभिन्नता या स्रोत दी विभिन्नता। क्वेश्चन नंबर 28, पहाड़ी पंजाबी दियाँ उपभाषावां हन? पुआधी, डोगरी, पटियाली, पोठोहारी, पुछनी या कांगड़ी, झागी, डोगरी, मुल्तानी, डोगरी, पुछनी या कांगड़ी। तो ये गाइज जो भी तुम्हें सही लगता तुसी अपना आंसर नोट करते जाओ। आई होप गाइज तुसी इन्ने क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर ले होने। 28 गाइज अपनी वीडियो थोड़ी जी लंबी हो रही हैगी, बट कोई गल नहीं, आप 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अपने को 29 जो क्वेश्चन आ यदा आंसर की आऊगा, देखो, जिला अमृतसर की उपभाषा केड़ी है? मलवई, दुआबी, माझी या पोठोहारी। यदा भी आंसर तुसी नोटबुक से नोट करो। उस तो बाद 30 क्वेश्चन अपने को, मैडा शब्द का शब्द संबंध किस नाल है? मीनिंग संबंध की है? माझी उपभाषा नाल, मलवई उपभाषा नाल, लहिंदी उपभाषा नाल या पुआधी उपभाषा नाल। क्वेश्चन नंबर 31, तीवी शब्द का संबंध किस उपभाषा नाल है? माझी, मलवई, पुआधी या पोठोहारी नाल। क्वेश्चन नंबर 32, इन्हां विचों मलवई उपभाषा का खेत्र केड़ा है? गुरदासपुर, फिरोजपुर, हुशियारपुर या जलंधर। क्वेश्चन नंबर 33, पंजाबी यूनिवर्सिटी दे पंजाबी उपभाषावां दी एटलिस्ट विच पंजाबी दियां किन्नियां उपभाषां दी खोज कीती गई? 20, 28, 6 या 16। क्वेश्चन नंबर 34, उत्तरी लहिंदी विच किहड़ी उपभाषा नूं रख्या जांदा है? पोठोहारी नूं, मुल्तानी नूं, स्ट्राइकी नूं, झांगी नूं। क्वेश्चन नंबर 35, किहड़ी उपभाषा पंजाबी दा शुद्ध रूप है? माझी, मलवई, दुआबी या पुआधी। क्वेश्चन नंबर 36, इन्हां विचों मलवई उपभाषा का खेत्र केड़ा है? गुरदासपुर, फिरोजपुर, हुशियारपुर या जलंधर। क्वेश्चन नंबर 37, पंजाबी दियां केड़ा किस्सा झागी मुल्तानी विच रचा गया है? हीर वारिस, हीर भगवान सिंह, हीर दामोदर, हीर कृष्ण सिंह। क्वेश्चन नंबर 38, किस उपभाषा विच रारा धुनी का लोप नहीं हुंदा? मलवई, माझी, दुआबी, इन्हां विचों कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, पंजाबी दी केड़ी उपभाषा विच आरंभिक स्वर दोहरे बोले जाते हैं? जिमें कि माझी, मलवाई, मलवई, दुआबी या पुआधी। क्वेश्चन नंबर 40, दुआबी उपभाषा का खेत्र है? लुधियाना, रोपड़, कपूरथला, नवांशहर, कपूरथला, जलंधर, बठिंडा, गुरदासपुर, अमृतसर, पटियाला, रोपड़, संगरूर। क्वेश्चन नंबर 41, उपभाषा विज्ञान का मंतव है? भाषा के व्याकरण का अध्ययन, भाषा के संचार प्रक्रिया का अध्ययन, टकसाली भाषा का निर्माण, विशेष इलाके प्रचलित भाषा का सर्वपक्षी अध्ययन। तो ये अपने को गाइज हूँ अपने को 41 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए ने, तो अपने को ओनली 9 क्वेश्चन पेंडिंग ने, तो 9 क्वेश्चन पेंडिंग भी आप कंप्लीट कर रहे हैं जल्दी जल्दी। चलो देखो अपने को 42 नंबर क्वेश्चन, पूर्वी अते पछमी पंजाबी दियां उपभाषावां दा विभेदक लक्षण है? शब्दावली दी विभिन्नता, स्रोत दी विभिन्नता, व्याकरण दी विभिन्नता या सकोश महाप्रांत धुनिया दी विभिन्नता।
क्वेश्चन नंबर 43 उपभाषा का आधार है साहित्य शास्त्र धर्म शास्त्र समाज शास्त्र या विशेष लोक समूह। क्वेश्चन नंबर 44 पोठोहार किस इलाके विच कहिंदे हन दरिया रावी ते चनाब विचला इलाका दरिया चनाब ते जेहलम विचला इलाका दरिया रावी ते व्यास विचला इलाका दरिया जेहलम ते सिंध विचला इलाका। क्वेश्चन नंबर 45 पंजाब की उपबोली माझी कित्थे कित्थे बोली जाती है गुरदासपुर पटियाला अमृतसर रोपड़ लुधियाना अमृतसर गुरदासपुर अमृतसर लाहौर कपूरथला मलेरकोटला होशियारपुर। क्वेश्चन नंबर 46 पंजाब की उपबोली मलवई कित्थे कित्थे बोली जाती है फिरोजपुर लुधियाना पटियाला रोपड़ लुधियाना बठिंडा संगरूर मलेरकोटला बठिंडा होशियारपुर फरीदकोट फिरोजपुर या रोपड़। तो ये जो भी आंसर तुहानू ठीक लगता तुसी नोट करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 47 पंजाब की उपबोली पुआधी कित्थे कित्थे बोली जाती है पटियाला रोपड़ मलेरकोटला धूरी पटियाला जलंधर होशियारपुर रोपड़ कपूरथला मलेरकोटला धूरी मलेरकोटला होशियारपुर। क्वेश्चन नंबर 48 पंजाब की उपबोली दुआबी कित्थे कित्थे बोली जाती है होशियारपुर कपूरथला संगरूर कपूरथला जलंधर रोपड़ जलंधर कपूरथला बठिंडा होशियारपुर कपूरथला जलंधर। क्वेश्चन नंबर 49 अपने को लास्ट क्वेश्चन है 49 पंजाबी दी चार उपभाषावां दे नाम दसो माझी मलवई उड़िया पुआधी मलवई डोगरी पोठोहारी लहिंदी दुआबी पोठोहारी डोगरी मलयालम माझी मलवई दुआबी पुआधी। तो गाइज आई होप तुसी सारे ने अपना अपना आंसर नोटबुक ते नोट कर लिया होना। तो लैट स्टार्ट होना आपां जो अपनी आंसर की है मैं थोनू वो जी अमेज़ा शो कर रही हूँ तो तुसी अपना अपना आंसर चैकआउट जरूर करो तो अपने जो मार्क्स ने देखो किन्ने मार्क्स थोड़े 49 चो तुसी किन्ने मार्क्स ऑबटेन किए ने ते केड़े केड़े क्वेश्चन थोड़े रोंग होए ने। ठीक है गाइज गाइज देखो अगर थोड़ी वीडियो मैंने पसंद आई तो मेरी वीडियो मैं लाइक करना मेरे चैनल सबसक्राइब करना तो मेरी वीडियो शेयर करना। तो गाइज हाँ जी मैं अपने को पहला चैप्टर है पंजाबी भाषा की उपभाषा कंप्लीट हो चुकिया वा जो अपने को नैक्सट अगला चैप्टर अपने को अगला टॉपिक है पंजाबी रिगार्डिंग ही होगा। तो आई होप तुम अपनी अपनी वधिया वधिया तैयारी करो तो अपना अपना एग्जाम क्रैक करो। थैंक यू गाइज।